राष्ट्र में कल होने वाले मतदान पर रुख करते हैं और तैयारियों पर बात करते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सौरभ पांडे जुड़ रहे हैं। बताइए सौरभ, कैसी तैयारियां हैं कल के मतदान को लेकर, सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की ओर से? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है हम देख रहे हैं चुनाव के जो प्रचार हैं वो थम गए हैं और कल यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों के लिए जो है वो मतदान होने को है। अगर बात की जाए सर्विसेज की और सिक्योरिटी की, तो पूरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और जो भी अन्य एजेंसीज हैं उन सबको लगाया गया है ताकि जो पोलिंग का जो प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो फॉलो किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो वहाँ भी जो है जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से जो है अलग अलग तरह के पोलिंग सुविधाएं बनाई गई हैं ताकि जो फ्लो है वो अच्छी तरह से जो है हो सके। इसके अलावा अगर बात की जाए अकेले मुंबई की, तो मुंबई में जो वोटर टर्नआउट होते हैं वो जो है हर बार से रिकॉर्ड रहा है कि वोटर टर्नआउट सबसे कम रहते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए मुंबई में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कई रेस्टोरेंट एसोसिएशंस, मल्टीप्लेक्स और जो भी सिनेमा घर हैं वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो जो है उसे बढ़ चढ़ कर मनाया जा सके। इस क्रम में जो है अगर बात की जाए होटल्स और रेस्टोरेंट्स किस तरह के जो ऑफर्स दे रहे हैं, उसमें यह है कि अगर आप वोट कर आते हैं, मतदान करके आते हैं और किसी भी रेस्टोरेंट्स और होटल में जा रहा है, अगर वो रेस्टोरेंट आहार के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर आपको अप टू 20% तक का जो है बिल पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि आप जो ये जो फेस्टिवल है उसको और यादगार बना सके। इसके साथ ही अगर मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाघर की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है इस फेस्टिवल में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है ताकि जो वोटर टर्नआउट है, जो वोटर हैं वो उन्हें और ज़्यादा जो है स्पेशल महसूस कराने के लिए जो है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नाम से जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें जो भी मतदार हैं वो मतदान करने के बाद अगर सिनेमा घर की तरफ पहुंचते हैं, अपनी स्याही वाली उंगली दिखाते हैं, तो उन्हें जो बॉक्स ऑफिस है वहां पर जो है कई तरह की टिकट्स जो उन्हें मिलेगी उस पर जो है अलग अलग तरह के जो है डिस्काउंट्स वो अवेलेबल रहेंगे। इसी तरह से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुंबई पुलिस के अलावा कई ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो पूरी तरह से इस इलेक्शन के ऊपर ध्यान रखी हुई हैं। इसके अलावा कई जगह से जो हैं हम पोलिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, वो जो हैं इस इलेक्शन में जो हैं वो जुटे हुए हैं ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्शन हो सके। अगर बात की जाए कंटेस्टेंट्स की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है कंटेस्टेंट्स करीब जो हैं 28% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें कि पिछले साल करीब 3,300 थे जो अब 28% बढ़ के 4,200 के करीब हो गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी पार्टियां जो हैं वो उभर कर आ रही हैं, उसमें इस बार हम देख पाएंगे कि किस तरह से दो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो निकल कर आ रही हैं, दो शिवसेना जो है वो निकल कर आ रही हैं, जिसमें एक शिंदे गुट है, एक उद्धव गुट है, जहां पर एक पार्टी है शरद चंद्र पवार जी की है, वहीं दूसरी तरफ अजीत दादा पवार की जो पार्टी है वो निकल कर आ रही है। अगर बात की जाए विचारधाराओं की, तो दोनों ही पार्टियों का एक ही कहना है कि हमारी जो लड़ाई है वो जो है जो भ्रष्टाचारी जो सरकार है उसके खिलाफ है, और इसी तरह से जो है जो दावपेच जो है वो दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, और इसी तरह से जो छह बड़ी पार्टियां हैं हम इसमें देख रहे हैं कि जिस तरह से ये चार पार्टी वो हो गई और कांग्रेस और बीजेपी सभी जो है अपने दावपेच जो है लगाए हुए हैं। बस अब आज रात का इंतजार है, कल सुबह का जो खुदन होगा वो देखना होगा कि किस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में जो है एक नया अध्याय जोड़ते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।